हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस एंड रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी आइसोमेट्रिक के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना, आइसोमेट्रिक सर्कल, आइसोमेट्रिक पेंटागॉन, आइसोमेट्रिक हेक्सागॉन, आइसोमेट्रिक पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स, ये सब ऑलरेडी हमने इसके पहले अपलोड किए थे। अगर आपने इसके पहले के ये सभी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो सभी वीडियोस डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन ड्रॉ करना है और कोन हम दो बार बनाएंगे। फर्स्ट टाइम हम ड्रॉ करेंगे व्हेन कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस और सेकंड टाइम हम ड्रॉ करेंगे व्हेन कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स। तो कोन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हम कोन का बेस डायमीटर ले लेंगे 50 mm और उसका हाइट ले लेंगे, इट मीन्स उसका एक्सिस ले लेंगे 65 mm। तो अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जो कोन का बेस है, जो कि सर्कुलर बेस रहेगा, आप सबसे पहले उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाओ और वो ऑर्थोग्राफिक व्यू को एक बॉक्स में फिट करो, देन उसका यूज करके आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ। इसके पहले भी हमने पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड में यही टेक्निक बताए थे, तो चलो वही टेक्निक का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम कोन का बेस जो कि सर्कुलर रहेगा उसका हम सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे और देन वो ऑर्थोग्राफिक व्यू से हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो कोन का बेस डायमीटर 50 mm रहेगा, तो आइए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे 50 mm का और वो सर्कल को एक बॉक्स में फिट करेंगे ABCD, देन वो ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज करके हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने कंपास लिया, कंपास में सर्कल का रेडियस ले लेंगे, सर्कल का डायमीटर है 50, इट मींस उसका रेडियस हो जाएगा 25 mm। तो कंपास में 25 mm रेडियस का लेंथ लेके यहां सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल को हमें बॉक्स में फिट करना है। तो ये देखिए, हमने सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है और अब ये सर्कल को एक बॉक्स में फिट करना है। और बॉक्स में फिट करने के पहले हम एक काम करेंगे, ये सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगी। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के सेंटर से और वर्टिकल लाइन भी हमें ड्रॉ करना है, तो ये हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दैट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये सर्कल के सेंटर से हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किए वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये सर्कल को एक बॉक्स में फिट कर लेते हैं। तो बॉक्स में फिट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल ये नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ऊपर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और ये वर्टिकल लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल ये लेफ्ट साइड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और राइट साइड से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो फाइनली एक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एजेस हम मिटा देते हैं। तो फाइनली जो कोन हमें ड्रॉ करना है, वो कोन का जो बेस सर्कुलर बेस है, वो सर्कुलर बेस का यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ हो चुका है और अब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज करके हम उसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इसके पहले के हर वीडियो में हमने बताए थे कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना होता है। आइसोमेट्रिक एक्सिस में तीन एक्सिस आती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हमेशा 30 डिग्री से इंक्लाइन होती है और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री वर्टिकल होती है। तो आइए सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम आइसोमेट्रिक एक्सिस एक बार नहीं दो बार बनाएंगे क्योंकि हमें कोन भी हमें दो बार ड्रॉ करना है। फर्स्ट टाइम हम ड्रॉ करेंगे कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस और सेकंड टाइम हम ड्रॉ करेंगे कोन रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो क्योंकि हमें यहाँ पे तीन एंगल लेना है। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पे तीन एंगल लेंगे, 30-30 डिग्री के दो एंगल और एक 90 डिग्री का। तो ये देखिए, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और इधर 30 डिग्री। ये तो इधर बनेगा जेड एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस। तो ये हम सबसे पहले बनाएंगे जेड एक्सिस। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस हमेशा 30 डिग्री से इंक्लाइन होती है। ये जेड एक्सिस बनाए, देन ये वाई एक्सिस बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और ये एक्स एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन होंगी। तो फाइनली हमने आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और हमने एक नहीं दो बार ड्रॉ किए हैं। दो बार क्यों ड्रॉ किए वो भी हमने थोड़ी देर पहले बताए थे, क्योंकि हमें दो बार यहाँ पे कोन ड्रॉ करना है इसलिए। तो ये आइसोमेट्रिक एक्सिस में हम यहाँ ड्रॉ करेंगे कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस और यहाँ पे हम एक और कोन ड्रॉ करेंगे रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स। तो आइए रेस्टिंग ऑन इट्स बेस का कंडीशन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ड्रॉ करना है, इट मीन्स कोन का बेस जो सर्कुलर बेस है वो नीचे आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है
कोन इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, ऐसे में कोन का जो सर्कुलर बेस है वो नीचे आएगा। तो अगर आपको सर्कुलर बेस नीचे ड्रॉ करना है तो वो आपको एग्जेड प्लेन में ड्रॉ करना पड़ता है। इसके पहले के भी सभी वीडियोस में हमने ऐसा ही बताए थे कि अगर आपको बेस नीचे ड्रॉ करना है तो बेस हमेशा एग्जेड प्लेन में बनता है। तो आइए यहाँ पे सर्कुलर बेस हम बनाएंगे एग्जेड प्लेन में। इट मीन्स एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो प्लेन है वो है एग्जेड प्लेन, उसमें हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे में आपको वाई एक्सिस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो आइए यहाँ पे वाई एक्सिस को मिटा देते हैं और हम एग्जेड प्लेन में करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे वाई एक्सिस को निकाल दिया है और अब हमें एक्जेड प्लेन में ड्रॉ करना है। इट मीन्स एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन है यहाँ पे हमें सर्कुलर बेस ड्रॉ करना है। तो अगर आपको एक्जेड प्लेन में ड्रॉ करना है तो हमने इसके पहले के वीडियो में जैसे बताए थे कि एक्जेड प्लेन में कभी भी आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक व्यू से लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आप ग्राउंड में रखेंगे। ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ऑर्थोग्राफिक व्यू से आप आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे। जब भी आप ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू एक्जेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर जो है वो में रखना है। इट मीन्स ये जो ए है वो यहां ग्राउंड में आएगा नीचे, तो यहां पे हम ए दे देंगे, हम यहां लिखेंगे ए। अगर आपने यहां ए दे दिए तो इधर बी आएगा, इधर डी आएगा और यहां कहीं ना कहीं सी आएगा। और ये देखिए ये जो एबीसीडी बॉक्स है, ये एबीसीडी बॉक्स एक्चुअली एक स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है तो यहां पे भी जो बनेगा वो स्क्वायर ही बनेगा। ए अगर नीचे है तो ए के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर जो है वो सी आएगा। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का लेंथ यहां कंपास में ले लेंगे। ये देखिए ए बी माने जो बॉक्स का जो बेस है वो हम ले लेंगे। AB का लेंथ BC, CD, AD ये सभी लेंथ सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये हमने AB का लेंथ ले लिए और ये AB का लेंथ लेके कंपास का सेंटर जो है वो A पे रखेंगे और इधर B के लिए आप कट करेंगे। ये कंपास का सेंटर हमने A पे रखे, इधर कट किए हमें B मिला और इधर कट करेंगे तो हमें D मिलेगा। तो ये हमें मिल गया B और इधर हमें मिलेगा D। और अब उतना ही लेंथ लेके कंपास D पे रखो, यहाँ पे आर्क बनाओ और कंपास B पे रख के वो आर्क पे कट करो। तो आइए कंपास D पे रखते हैं और बीच में एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए आर्क और कंपास हम B पे रखते हैं सेंटर और ये आर्क पे कट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे हमें यहाँ पॉइंट C मिलेगा। तो ये है पॉइंट C और अब ये सी टू बी और सी टू डी ऐसा ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये बॉक्स ए बी सी डी यहाँ पे तैयार है और अब ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये जो स्क्वायर है, इसके अंदर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कुलर बेस इसी के अंदर आएगा। तो हमने आपको बताया था कि ये स्क्वायर बनेगा, तो ये कैसे चेक करेंगे कि ये करेक्ट है? तो हमेशा ध्यान में रखिए सर्कल का आप बॉक्स जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा नीचे का एंड ए और ऊपर का एंड सी, ये हमेशा एक ही वर्टिकल लाइन में आएगा। इट मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर ये रेक्टेंगल होता ए बी सी डी, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल होता तो फिर ये सी पॉइंट या तो उधर होता या तो इधर होता। लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमेशा नीचे का एंड और ऊपर का एंड एक वर्टिकल लाइन इट मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर आता है। तो फाइनली बॉक्स ए बी सी डी आपके सामने और अब ये बॉक्स के अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके चारों साइड का आपको पहले मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, देन इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, देन आपको सर्कल ड्रॉ करना आपको स्टार्ट करना है। इसके पहले हमने बताए थे, हमने स्टार्टिंग में आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कुलर प्लेन, सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका एक हमने स्पेशल वीडियो बनाए थे जो कि हमने एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन तीनों प्लेन में सर्कल को स्पेशली कैसे ड्रॉ करना, इसका हमने वीडियो बनाए थे। अगर आपने इसके पहले का वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करना कैसे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए फिलहाल हम यहां ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे चारों साइड का हम सबसे पहले मिड पॉइंट लेंगे। तो ये ए बी सी बी सी सी डी और ए डी सभी का मिड पॉइंट लेंगे, सभी का मिड पॉइंट का लेंथ सेम होगा। तो यहां पे हम मिड पॉइंट जो है वो हमें यहां से पता चलेगा। ये देखिए यहां से हमें मिड पॉइंट जो है, ये देखिए ये हाफ ऑफ ये जो लेंथ है यहां से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। हमने ये सर्कल के सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हमने इसीलिए ड्रॉ किए थे ताकि ये जो साइड ए बी है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, इट मीन्स हमें सेंटर मिले, इसलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किए थे। तो फाइनली उसके लिए हम कंपास लेंगे, कंपास का यूज करके हम लेंगे। तो ये देखिए ये हाफ लेंथ लो या ये लो, सभी हाफ लेंथ सेम है। तो ये देखिए ये जो ए बी का हाफ लेंथ है वो हम कंपास में ले लेंगे और यहाँ पे आपको सभी जगह मिड पॉइंट मार्क करना है। तो कंपास का सेंटर ए पे रखो और इधर कट करो तो आपको इधर मिड पॉइंट मिलेगा। देन कंपास का सेंटर ए पे ही रख के आप इधर मार्क करेंगे। देन आप कंपास का सेंटर डी पे रख के आप इधर कट करेंगे। देन कंपास का सेंटर सी पे रख के आप इधर कट करेंगे। तो चारों साइड में आपको देखिए सभी का आपको मिड पॉइंट मिल चुका है। आप यहाँ पे नेमिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा हम इसको नेमिंग दे देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर एबीसीडी है, स्क्वायर एबीसीडी के डायगोनल्स यहां पे ड्रॉ करेंगे। ये बीडी डायगोनल और एसी डायगोनल ऐसा आप ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एसी को ज्वाइन कर लेंगे,
एसी डायगोनल जो कि वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, और ये बीडी डायगोनल को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे जो दो डायगोनल बने हैं उसमें से ये एसी डायगोनल ये स्मॉलर डायगोनल है, और ये बीडी डायगोनल लॉन्गर डायगोनल है। और अब आपको क्या करना है, ये जो स्मॉलर डायगोनल है, स्मॉलर डायगोनल के ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर ए और कॉर्नर सी, इनसे आपको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। इट मीन्स ये देखिए ये स्मॉलर डायगोनल का एंड ए जो है इसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करो। देखो इसका अपोजिट मिड पॉइंट टू है और वन है, तो ए से टू और ए से वन ज्वाइन करेंगे। ये देखिए स्मॉलर डायगोनल के, लॉन्गर डायगोनल के नहीं, हमेशा ध्यान में रखेंगे स्मॉलर डायगोनल के एंड्स आपको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो ये हम ए से वन ए से टू ऐसा हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। देखिए ए से आपने ज्वाइन कर लिए, अब इसका अपोजिट सी है, सी से भी आप क्या करेंगे ये फोर से और थ्री से ज्वाइन करेंगे। तो सी से फोर हम ज्वाइन करेंगे, तो ये देखिए सी से फोर और उसी तरह से सी से थ्री। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये लॉन्गर डायगोनल ये एक लाइन और ले ये एक लाइन, देखिए यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, अगर ये क्रॉस होता है इट मीन्स हमारा करेक्ट है। ये देखिए ये लॉन्गर डायगोनल ये एक लाइन और ये एक लाइन, तीनों एक ही जगह क्रॉस होना चाहिए, अगर तीनों एक ही जगह क्रॉस होते हैं इट मीन्स जो आपने ड्रॉ किए हैं वो अभी तक पूरा करेक्ट है। तो फाइनली इतना होने के बाद अब हम ये इसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे, कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे। ध्यान से देखिए ये अब इंपॉर्टेंट है कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो कंपास का सेंटर हम ए पे रखेंगे, ए से लेके वन का लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर ए पे रख के वन से टू की तरफ आप आर्क बनाएंगे। तो ये देखिए कंपास का सेंटर ए पे रखो, ए से वन का लेंथ लो और कंपास का सेंटर ए पे रख के वन से टू की तरफ हम आर्क बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने आर्क बना लिए। उसी तरह से इसका अपोजिट एंड जो सी है, सी से लेके थ्री का लेंथ लो, कंपास का सेंटर सी पे रखो और थ्री से फोर की तरफ आप आर्क बनाओ। तो ये देखिए हम सी से थ्री का लेंथ लेंगे, सी से थ्री का लेंथ भी वही होगा जो हमने ए से वन का लिए थे, और कंपास का सेंटर सी पे रख के आप आर्क बनाएंगे। तो ये देखिए ये ऐसा बनेगा आर्क, इधर से भी हमने एक आर्क बनाया, इधर से भी बनाया, और अब ये तीनों जहां पे क्रॉस हो गए थे तीनों को हम यहां पे जहां पे क्रॉस हो गया था इसको हम नेमिंग दे देंगे एज हम इसको कहेंगे एम और ये पॉइंट को कहेंगे एन। और अब हम क्या करेंगे, कंपास में M से लेके 1 का लेंथ लेंगे, M से लेके 1 का लेंथ लो या M से लेके 4 का लेंथ लो और 1 को 4 की तरफ टर्न कराओ या 4 को 1 की तरफ टर्न कराओ और कंपास का सेंटर जो है वो M पे रहेगा। तो ये देखिए कंपास हम ले लिए, कंपास का सेंटर हम M पे रखेंगे, M से 1 का लेंथ हम लेंगे, देखिए M से 1 का लेंथ हमने ले लिए और कंपास का सेंटर M पे रख के आप वन को फोर की तरफ ऐसे टर्न कराएंगे या तो फोर को वन की तरफ टर्न कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपास का सेंटर M पे रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये हम ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए ये हमने बना लिए वन से लेके फोर तक आर्क, और अब उसी तरह से यहां पे कंपास का सेंटर एन पे रखेंगे, एन से लेके टू का लेंथ लेंगे और टू को थ्री की तरफ ऐसे घुमाएंगे, कंपास का सेंटर एन पे रखेंगे, तो एन से टू का लेंथ भी वही होगा, जितना लेंथ इधर था उतना ही लेंथ इधर है, तो एन से लेके टू का लेंथ हमने लिए, कंपास का सेंटर एन पे रख के आप 2 को 3 की तरफ ऐसे टर्न कराएंगे। तो फाइनली जो कोन हमें ड्रॉ करना है वो कोन का जो बेस है वो यहां पे ड्रॉ हो चुका है, सर्कुलर बेस फिलहाल ये हमने फेंट बनाया है, और अब हमें कोन का अपेक्स ड्रॉ करना है। तो कोन का अपेक्स जो कि एक्सिस की हाइट पर होगा, तो यहाँ पे एक्सिस का हाइट कितना लेना है वो हमने बताए थे 65 mm, तो यहाँ पे कोन का हाइट माने एक्सिस का हाइट हमें 65 mm लेना है, और 65 mm के ऊपर जो है यहाँ पे अपेक्स होगा कहीं ना कहीं, तो वो कहाँ होगा उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो सर्कल है ये सर्कल का सेंटर मार्क करना पड़ेगा। तो ये सर्कल का सेंटर और ये बॉक्स ए बी सी डी का सेंटर एक ही होगा, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये एक्चुअली एक स्क्योर बॉक्स है, तो स्क्योर बॉक्स का सेंटर ड्रॉ करना ये सर्कल का सेंटर ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे वो आप चेक करो। ये देखिए ये एक स्क्वायर है, तो ऐसे में ये डायगोनल, ये देखिए ये बीडी डायगोनल और एसी डायगोनल, ये दोनों जहां पे क्रॉस हो गए वहां पे आपको सेंटर मिलेगा सर्कल का। तो ये देखिए यहां पे सर्कल का सेंटर आपको मिल रहा है, ये बीडी डायगोनल और ये एसी डायगोनल यहां पे क्रॉस हो रहा है, तो यहां पे आपको सेंटर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको हाइट चढ़ाना है, यहां से आप हाइट लेंगे 65 mm, तो आप स्केल से यहां से आप हाइट लेंगे 65 mm की अलोंग द वाई एक्सिस।
तो ये आप y एक्सिस के अलॉन्ग 65 mm ऊपर लेंगे। तो फाइनली हमें ऊपर अपेक्स O मिल चुका है, तो ये है अपेक्स O। तो फाइनली ये O से ये जो सेंटर है यहाँ से लेके हमने O तक 65 mm का लाइन ड्रॉ किया है, और अब हमें डार्क कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है और पूरा कोण ड्रॉ करना है। अभी तक ये कुछ भी हमने जो बनाए हैं वो फिलहाल फेंट बनाए हैं। हम यहाँ पे जो कुछ भी रेड पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो कुछ भी हम यहाँ ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो आइए अब हम यहाँ पे डार्क कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन के जो आउटर एजेस है जिनको जनरेटर कहते हैं वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये जो O है, O से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क आपने बनाया है, ये आर्क के ऊपर आप टेंजेंट बनाएंगे। O से लेके ये आर्क के ऊपर एक टेंजेंट बनेगा, और O से लेके इधर के आर्क के ऊपर एक भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना वो देखिए, ये देखिए स्केल का एक एंड जो है वो O पे रखिए, और स्केल जो है ये सर्कल के ऊपर आपको टच करना है, बस सर्कल के ऊपर टच करना है। और अब आप यहाँ पे जनरेटर ड्रॉ करेंगे कोन का। तो ये हमने एक लेफ्ट साइड का एज बनाया, इट मीन्स हमने जनरेटर बनाया लेफ्ट साइड का, और उसी तरह से राइट साइड का भी हम जनरेटर बनाएंगे, इट मीन्स उसका एज। कोन में उसको एज नहीं कहते हैं, उसको जनरेटर कहते हैं। तो ऊपर हमने O पे रख दिया स्केल, और नीचे जो सर्कल है उसको टच करना है, और ये हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए फाइनली ये कोन का ये जो अपेक्स O था, ये O से हमने ऐसे दो ऐसे जनरेटर इट मीन्स कोन के ऐसे आउटर एजेस हमने ड्रॉ कर लिया है। और अब बेस में कोन का जो फ्रंट ये जो आर्क है, ये देखिए ये जो फ्रंट कर्व है, फ्रंट व्यू में जो आपको ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व आपको ड्रॉ करना है। जो बैक साइड का कर्व है वो तो आपको डेफिनेटली नहीं दिखाई देगा, तो वो कर्व आपको डार्क करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो फ्रंट वाला ये जो सामने का ये जो सामने से देखने पर ये जो फ्रंट वाला आर्क है, ये जो फ्रंट वाला कर्व है, ये सर्कुलर, ये हमें बस इतना डार्क करना है। तो वो डार्क करने के लिए आप डार्क पेंसिल से ही बनाएंगे, इट मीन्स आप फिर से कंपास का यूज़ करके ये ड्रॉ करेंगे। तो देखिए डार्क करने के लिए हमने C से 3 का लेंथ कंपास में लेंगे, कंपास का सेंटर C पे रखेंगे, और 3 को 4 की तरफ ऐसा उसका आर्क बनाएंगे डार्क। तो ये C से 3 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, और कंपास का सेंटर हम C पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो कंपास का सेंटर C पे रखते हुए हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये ड्रॉ हो चुका है। सी के ऊपर हमने कंपास का सेंटर रखे, और 3 से 4 की तरफ हमने ऐसा एक आर्क बना लिए। और अब कंपास का सेंटर एन पे रखेंगे, और एन से 3 का लेंथ लेंगे, और 3 को आप इधर एक आर्क बनाएंगे। लेकिन पूरा ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, ये जो आपने एज ड्रॉ किए थे उसको टच होते हुए आना चाहिए। चलो यहाँ पे लेंगे एन से लेके 3 का लेंथ हमने कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने एन से 3 का लेंथ ले लिए, कंपास का सेंटर हम एन पे रखेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन को टच होते हुए आना चाहिए। और अब हम सेम वही टेक्निक का यूज़ करके इधर बनाएंगे, कंपास का सेंटर हम M पे रखेंगे, M से लेके 4 का लेंथ लेंगे, और 4 से हम इधर ये ऐसा कर्व बनाएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन को हमें सिर्फ टच कराना है। तो कंपास का सेंटर M पे रहेगा। तो ये देखिए M से 4 का लेंथ भी वही रहेगा जो हमने उधर ड्रॉ किए थे, बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ करना है। तो फाइनली ये कोन बन चुका है विच इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। ऐसे में देखिए ये सर्कुलर बेस नीचे आया और अपेक्स ऊपर आया, और अब हमें यही कोन डबल ड्रॉ करना है, इट मीन्स हमें इस कोन को उल्टा ड्रॉ करना है, जिसमें अपेक्स नीचे रहेगा और बेस ऊपर रहेगा। उसमें कंडीशन रहेगा कोन इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स, तो वो हम इधर के आइसोमेट्रिक एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो वो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे जैसा हमने यहाँ पे ABCD बॉक्स बनाए थे वैसा ही बॉक्स हम यहाँ ABCD बॉक्स यहाँ बनाएंगे, नीचे ABCD बॉक्स बनाएंगे, देन वो बॉक्स की हम हाइट लेंगे, हाइट जो कि 65 mm पता है हमें, वो हम बॉक्स के चारों कॉर्नर से हम 65 mm की हाइट लेंगे, और 65 mm के हाइट पे एक और बॉक्स बनाएंगे ABCD, देन ऊपर का जो बॉक्स ABCD रहेगा वो ऊपर के बॉक्स में हम सर्कुलर बेस ड्रॉ करेंगे, और नीचे के ABCD में हम सिर्फ अपेक्स O मार्क करेंगे। तो आइए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने नीचे में ABCD ड्रॉ कर लिया है। अब ये कैसे ड्रॉ करना वो हमने बिल्कुल सेम जैसा हमने यहाँ ड्रॉ किए थे वैसा ही हमने ये वहाँ पे ड्रॉ किए हैं। और अब ये नीचे जो ABCD है वहाँ चारों कॉर्नर से आपको हाइट लेना है, कोन का हाइट जो कि 65 mm दिया है वो आप उसके चारों कॉर्नर से हाइट चढ़ाएंगे। तो आइए यहाँ पे हाइट चढ़ाते हैं। तो D से 65, C से 65, B से 65 और A से भी 65। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो
तो ये देखिए, ये हमने चारों कॉर्नर से 65 mm ऊपर ले लिया है। ये ए से ऊपर ये हमें मिला, फिर से एक ए, डी के ऊपर यहाँ पे डी, सी से ऊपर सी, और ये बी के ऊपर बी। और अब ये सभी ए बी सी डी को आपको ऊपर ज्वाइन करना है, तो ऊपर भी आपको बॉक्स मिल जाएगा। तो आइए ज्वाइन करेंगे ए बी सी डी को। तो फाइनली हमें यहाँ पे ए बी सी डी बॉक्स मिल चुका है। और प्रॉपरली चेक करो, ये ए सी ए सी, ये एक ही वर्टिकल लाइन में आएगा, बिकॉज ये हमने पहले ही कहा था कि ये नीचे का स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर है, तो ए और सी एक लाइन में आएगा, तो उसी लाइन में ए और सी कंटिन्यू होगा। और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के बॉक्स ए बी सी डी में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, नीचे के बॉक्स में सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। नीचे में सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थी रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, ऐसे में सर्कुलर बेस नीचे आया और अपेक्स ऊपर आया, लेकिन हमें यहाँ पे उल्टा करना है। हमें यहां पे ड्रॉ करना है कोन रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स, ऐसे में अपेक्स ओ हमें नीचे लेना है और सर्कुलर बेस ऊपर ड्रॉ करना है, तो सर्कल ऊपर ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हमने यहां किए थे, वही कंस्ट्रक्शन आपको यहां फिर से फॉलो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चारों साइड का मिड पॉइंट लेंगे, और मिड पॉइंट लेने के बाद आप डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे लेंगे, देखिए यहां पे जैसे हमने 1 2 3 4 ड्रॉ किए थे, बिल्कुल उसी तरह से आप चाहे तो ए से 3 का लेंथ, ये जो मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट, ये आप कंपास में लेके वहां पे मार्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो A से 3 का लेंथ है वो हम वहां मार्क करेंगे। ये मिड पॉइंट, ये सभी लेंथ सेम है जो कि हमने यहां से लिए थे। तो ये देखिए, A के ऊपर हम रखेंगे और इधर हम कट करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिलेगा, इधर भी हम कट करेंगे तो इधर भी हमें मिलेगा, यहां पे भी हम रखेंगे और ऊपर C पे भी हम रखेंगे। तो ये देखिए, यहां पे हमें मिल गया मिड पॉइंट, हम इसको नेमिंग दे देंगे 1 2 3 4, नेमिंग वही देंगे जो हमने यहाँ दिए थे, बिल्कुल सेम नेमिंग हमने वहाँ दे दिए। और अब इतना होने पर याद करो हमने यहाँ क्या किए थे, अब इतना होने पर हमें डायगोनल से यहाँ पे ड्रॉ करना है, डायगोनल ए सी और यहाँ पे डायगोनल बी डी। तो ए सी तो ऑलरेडी ड्रॉ है, बस यहाँ पे बी डी डायगोनल ड्रॉ करना है, तो ये हम बी डी डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने बी डी डायगोनल को ड्रॉ कर लिया है। और अब आप क्या करेंगे, ये दोनों डायगोनल में से स्मॉलर डायगोनल कौन सा है चेक करो, बी डी डायगोनल स्मॉलर है या ए सी। तो प्रॉपरली हम चेक करेंगे, बी डी जो है वो लॉन्गर डायगोनल है और ए सी जो है वो स्मॉलर डायगोनल है। वो इसीलिए क्योंकि जो स्मॉलर डायगोनल होता है, स्मॉलर डायगोनल के कॉर्नर आपको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। तो आइए, ये स्मॉलर डायगोनल का कॉर्नर ए और कॉर्नर सी, उसको अपोजिट मिड पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे। तो ए को 1 और 2 से ज्वाइन करो और सी को 3 और 4 से ज्वाइन करो। तो सबसे पहले ए को हम 1 से ज्वाइन करेंगे, तो ये देखिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए जितना कंस्ट्रक्शन होता है पूरा हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे चारों साइड का मिड पॉइंट लिए थे, देन हमने लॉन्गर डायगोनल स्मॉलर डायगोनल ऐसा किए, स्मॉलर डायगोनल का जो एंड ए है उसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन किए और उसका जो सी है एंड है उसको हमने अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन किए, तीनों एक जगह क्रॉस हो गए। तो ये एम और ये एन, जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ किए थे सेम कंस्ट्रक्शन हमने वहाँ रिपीट किए हैं। तो अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी बिल्कुल वही टेक्निक रहेगा जो हमने यहाँ फॉलो किए थे, बिल्कुल वही टेक्निक हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किए थे, ए से 1 का लेंथ लिए थे, एक के ऊपर कंपास का सेंटर रख के 1 को 2 की तरफ घुमाए थे, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। और हमें डायरेक्टली डार्क ड्रॉ करना है, हम यहाँ पे जो भी सर्कल ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली डार्क बनाएंगे। यहाँ पे हमने जब सर्कल बनाए थे तो पहले फेंट बनाए थे, बाद में डार्क बनाए थे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट वर्क था, हमने ऊपर से नीचे डार्क करना था, इसलिए हमने ऊपर अपेक्स लिए थे, एजेस ड्रॉ किए थे और ऊपर से नीचे हमने डार्क करते हुए आए थे। लेकिन ये सर्कल ऑलरेडी ऊपर है तो ऊपर से नीचे डार्क करते हुए आना है, तो सर्कल आपको पूरा क्लियर कट दिखाई देगा, इसलिए पूरा सर्कल आप एट अ टाइम आप स्टार्टिंग में ही डार्क बना सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए से 1 का लेंथ कंपास में लेंगे, कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे और 1 को 2 की तरफ हम घुमाएंगे। तो ये हमने ए से 1 का लेंथ कंपास में ले लेंगे, देखिए ये देखिए, ए से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, कंपास का सेंटर हम ए पे रखेंगे और 1 को 2 की तरफ हम घुमाएंगे, तो ये ऐसा बनेगा। और अब इसी का उल्टा करना है, तो ए पे रखे थे और अब हम सी पे रखेंगे, सी से 3 का लेंथ लेंगे, 3 को 4 की तरफ हम घुमाएंगे, कंपास का सेंटर हम सी पे रखेंगे। तो ये देखिए, सी के ऊपर हम रखेंगे, सी से 3 का लेंथ हम कंपास में लेंगे, देखिए सी से 3 का लेंथ हमने ले लिए, कंपास का सेंटर सी पे रखेंगे और 3 को 4 की तरफ घुमाएंगे।
तो ये देखिए हमने ऊपर का और नीचे का आर्क ऐसा बना लिए, और अब इतना होने के बाद कंपास का सेंटर हम एम पे रखेंगे, एम से लेके वन का लेंथ कंपास मिलेंगे, कंपास का सेंटर एम पे रख के वन को फोर की तरफ ऐसे टर्न कराएंगे। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हम एम पे रखेंगे और एम से वन का लेंथ हम ले लेंगे और वन को फोर की तरफ टर्न कराएंगे, और ये आप सब डायरेक्टली डार्क बना रहे हैं, तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए फाइनली ये लेफ्ट साइड में ऐसा बनेगा, और अब हमें अगर राइट साइड में चाहिए तो सेम टेक्निक, कंपास का सेंटर हम एन पे रखेंगे, एन से लेके टू का लेंथ लेंगे और टू को थ्री की तरफ इधर ऐसे टर्न कराएंगे। तो कंपास का सेंटर हम एन पे रखेंगे और टू को थ्री की तरफ हम टर्न कराएंगे। तो इस तरह से फाइनली हमने सर्कुलर प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, लेकिन ये ऊपर का सर्कुलर बेस यहाँ पे बन चुका है, लेकिन नीचे का अपेक्स वो अभी तक हमें नहीं मिला। तो आइए अब हम नीचे का अपेक्स बनाते हैं। तो अपेक्स कैसे बनाएंगे, अपेक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे का ABCD है, ABCD का आपको सेंटर मार्क करना पड़ेगा, और ABCD का सेंटर मार्क करने का टेक्निक वही है जो हमने यहाँ किए थे। यहाँ पे हमने दोनों डायगोनल्स को हमने यहाँ पे क्रॉस कराए थे, तो दोनों डायगोनल्स जहाँ पे क्रॉस हुए थे वो सेंटर था, तो यहाँ पे हमें वही करना है। AC डायगोनल और BD डायगोनल को हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम BD को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, A to C तो ऑलरेडी ड्रॉ है, A to C आपको डबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस यहां B to D यहां पे ड्रॉ कर लो। तो ये देखिए ये हमने BD डायगोनल और AC डायगोनल यहां पे ड्रॉ किए हैं, दोनों जहां क्रॉस हुए वो O है, तो ये है अपेक्स O। तो फाइनली जो हमें अपेक्स O चाहिए था वो यहां पे मिल चुका है, और अब ये अपेक्स से आप क्या करेंगे, ये जो कोन है कोन के जनरेटर्स आप ड्रॉ करेंगे, इट मींस ये लेफ्ट साइड का एज और राइट साइड का एज ऐसा ड्रॉ करेंगे, एजेस को इसमें जनरेटर कहते हैं। तो आइए ड्रॉ करेंगे। तो O से इधर के कर्व के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और उधर के कर्व के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये टेंजेंट ड्रॉ करते समय रॉन्ग करते हैं। तो जो टेक्निक आपने यहाँ पे यूज किए थे बिल्कुल वही टेक्निक आपको यहाँ पे यूज करना है। तो स्केल से हम बनाएंगे, स्केल ये नीचे O पे लगाएंगे और ये जो ऊपर का जो आर्क है वो आर्क के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ऊपर के आर्क में बस टच होना चाहिए, तो ये देखिए ऊपर के आर्क में टच हो रहा है और ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आप ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड में ऐसा बनेगा और राइट साइड में भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। तो राइट साइड में ड्रॉ करने के लिए देखिए स्केल हम यहां रखेंगे, स्केल का एक एंड यहां O पे रखेंगे और ये सर्कल के ऊपर वो जो हमने ऊपर आर्क बनाए थे उसके ऊपर आपको टच होना चाहिए, ऐसा आपको ड्रॉ करना है। तो फाइनली जो आज हमारा मेन एम था वो यहां पूरा हो चुका है। ये है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स और ये है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसके पहले हमने ऑलरेडी आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, रेस्टिंग ऑन इट्स अपेक्स ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए थे। इसके पहले हमने आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना, आइसोमेट्रिक सर्कल, आइसोमेट्रिक पेंटागॉन, हेक्सागॉन, स्क्वायर, नंबर ऑफ चीजें इसके पहले हमने ऑलरेडी स्टडी किए थे। इसके पहले के वो सभी वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी वीडियोज का लिंक मिलेगा, आप वहां से वो वीडियोज डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।